are you running? Why are you running? It was at this moment Jackson knew. He fucked up. हेलो गाइस, तो गाइस आ चुके हैं हम लोग और वीडियो के साथ में। और है गाइस, सबसे पहले तो यार ये वाला जो गेम प्ले है, मतलब अभी तक अपने चैनल पे जितने भी गेम प्ले मैंने अपलोड किए उनमें सबसे बेस्ट गेम प्ले ये वाला होने वाला है मेरा, मतलब अभी तक जितने भी मैंने अपलोड किए। क्योंकि देखो गाइस, आधी लोबी लिटरली मान के चलो आधी लोबी रोजोक के अंदर आ जाती है और सारे बंदों को अपन ही मारते हैं, मतलब ऑलमोस्ट हर सारे पूरी मतलब आधी लोबी को, आधी लोबी तो नहीं कह सकते लेकिन सारे बंदों को जितने भी रोजोक में आते हैं ऑलमोस्ट अपन ही मारते हैं। अब उतरते मेरे को मिलती है M4 और नीचे मेरे दो बंदे दिखाई देते हैं मेरे को। अब देखो कैसे मारते हैं इनको कुछ के। I need a grip. भाई मेरा कॉल आ रहा था। अब देखो गाइस, जैसे निहत्ते बंदे को मारना पाप होता है लेकिन ये पबजी है यार, यहाँ पे कोई पाप पाप कुछ भी नहीं, सब साफ हो जाता है, मतलब पाप पाप कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, जो दिखे उसको मारो। और यहाँ पे दिखते हैं मेरे को बंदे, इनको मारता हूँ। और एक बंदा देखना यहाँ पे मोली लेके आ जाता है, गन तो गन है उसके पास लेकिन पता नहीं क्यों मोली डालने के लिए आ जाता है वो। देखकर ऊपर Form up on me. नहीं है five की। ले ले ले। हाँ एक ले। पीछे तो अंडे के। चलो पुत्र। गनर को ना बुला। काम मारूंगा। तो वैसे देखो यहाँ पे लेजेंड भैया की भी अलग ही नशे, मतलब पता नहीं क्या हालचाल है। यहाँ पे मैं शॉटगन मांगता हूँ क्योंकि मेरी M4 में एमओ खत्म हो जाती है, तो शॉटगन दे देते और एमओ नहीं देते यार, बिना एमओ को कहाँ से चलूंगा गन को। तो यहाँ से एमओ लेते और आते हम घर के अंदर, इतने अपने लेजेंड स्मार्ट भैया को मार देता है बंदा और अपने पास कहती है शॉटगन। तो बस देखो कैसे मारते इसको। ओ भाई शॉटगन से। अब देखो यार यहाँ पे शॉटगन से काफी अच्छा सा फटका मारते हैं हम इस बंदे को और ये बंदा सीधा परलोक से डर जाता है। अब देखो यहाँ पर सीन ऐसा होता है कि अपने पास ना तो M4 के अंदर एमओ है और ना M7 के अंदर एमओ है। और हाँ एक और बात, जो अपने मंजीत भाई साहब है इनकी बातों को इग्नोर करो यार, अगर आपको इनकी बातें अच्छी लग रही हो, क्योंकि ये थोड़े फनी किस्म के बंदे। अगर आपको इनकी बातें अच्छी लग रही हो तो ठीक है, इन्जॉय करो, और नहीं लग रही हो तो इग्नोर करो। अब देखो सीन ऐसा होता है कि एमओ अपने पास काफ़ी कम है। अब देखो मेरे को पहले यूजी गन बहुत बेकार लगती है, पता हूँ क्यों, क्योंकि यूजी गन एक ऐसी गन है जो चलती ही खत्म हो जाती है, मतलब पता ही नहीं चलता है कब चली और कब खत्म हो गई। और सेम सीन अपने पास यही है M4 के अंदर, क्योंकि एमओ है नहीं, तो यहाँ रोजों के ऊपर मेरे को बंदे दिखाई देते हैं हिल पे। अब मैं स्प्रे देता हूँ, इतने में स्प्रे खत्म भी हो जाता है, लेकिन फिर मेरे को यहाँ पे M4 स्प्रे में एमओ मिल जाती है। और देखो बंदों को कैसे मारते हैं अब। ओ भाई पीछे भी है, पीछे भी पहले को देख ले। ओ हो रहा सामने ऊपर अब देखो यार किस्मत ने धोखा दे दिया, मतलब मैं इस बंदे को मार रहा था, मेरे को लगा एक ही बंदा है यहाँ पे, मैं इसको मार रहा था और लेफ्ट से मेरे को कब पड़ी कहाँ पड़ी कुछ पता नहीं चला, मतलब एक ही में तारे दिखा दिए दिन में मेरे को पबजी के अंदर, और यहाँ पे मैं नॉकआउट हो जाता हूँ। लेकिन अपने लेजेंड भैया पास में ही थे तो लेजेंड भैया आ जाते रिवाइव करने के लिए और इन बंदों को तो हम काफ़ी इजीली मार देते हैं। और हाँ, आपको बहुत सारे क्लिप देखने को मिलेंगे इस वाले गेम प्ले के अंदर, क्योंकि रोजोक के अंदर अभी हम बहुत सारे बंदे मारेंगे, तो बस गेम प्ले के ऊपर बने रहो। अब देखो यार, आप सोच रहे होंगे कि बंदा जब मेरे को दिख गया था, बंदा आता हुआ मेरे को दिखाई दिया था, तो मैंने स्प्रे क्यों नहीं किया या फिर कुछ क्यों नहीं किया। तो भाई लिटरली यकीन मानो, जब मैं हेल्थ लगा रहा था तो बंदा मेरे को दिखा, तो एक बात तो मैंने सोची चलो हेल्थ लग रही लगने दो। उसके बाद मैंने गन पे बहुत सारा बार टेप किया लेकिन हाई पिंग इशू, देख लो आप पिंग कितनी आ रही है, मतलब हाई पिंग के चलते बस ऐसा ही सीन हो गया। हाँ ऊपर तो है, मेरे को 7 के दे दो यार भाई। नहीं रे, इसके बाद डीपी केवल। Watch out! Enemies ahead! अबे ऊपर मार जा तूने। अरे मन पे एमओ खत्म है कि 7 की अगर वेकन पे दे दो। आई रिपीट। अब देखो यार, आउट ऑफ सिलेबस गेम खेलोगे तो ऐसे सीन होगा, मतलब बंदा हिंदी भी बोल रहा है, मालवी भी बोल रहा है और इंग्लिश भी बोल रहा है, हर चीज मिक्सिंग चल रही है भाई, मतलब लिटरली इसको बोलते हैं कतई ओपी गेमर। ठीक है, ओ नॉक नॉक नॉक, चल पिट किल भाई। अब देखो यार, ओल्ड डेड बोलने का कोई सीन नहीं बनता यहाँ पे, क्योंकि बंदे दो ही थे जो कि हमने नीचे से निपटा दिए। अब जैसे हम यहाँ पे लूटते हो तो यहाँ पे देखो स्कूल आ जाती है, देखो कैसे मारते हैं। ओ
Enemies ahead. जेकी बोलते है भाई। अब गाइस देखो यहाँ पे पूरी स्क्वाड आती है, इस स्क्वाड को भी हम काफी मजे से मजे के साथ में मारते हैं। मतलब हाँ हमारा बंदा नोको, हमारा बंदा नहीं सॉरी बंदे, मतलब पूरी स्क्वाड नोको जाती है। मतलब मेरे पास भी लास्ट चांस ही था यहाँ पे, अगर मेरी गलती से भी मैं मर जाता तो एक तो बेइज्जती हो जाती यार, खाली फुकट की बेइज्जती हो जाती है अपनी टीम के अंदर, और दूसरी बात मतलब कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम बंदों को मार देते हैं और यहाँ पे मैं रिवाइव करता हूँ सबको। अब मैं जैसे रिवाइव कर रहा हूँ, अब रिवाइव करने के बाद मैं कुछ लूटता हूँ एमओ वगैरह, क्योंकि एम से अपनी पूरी खाली हो चुकी है। अब मैं बंदे यहाँ पे लूटू इतने फिर बंदे दिखाई देते हैं मेरे को और फिर मारते हैं बंदों को। अब देखो यार यहाँ पे मैंने बीप का साउंड तो लगा दिया, लेकिन आई थिंक आप समझ गए होंगे कि नंबर आपने जो मंजीत भाई है उन्होंने क्या बोला। तो उनके मुंह से जो भी पवित्र वचन निकले वो सुन के आपको गेम अच्छा लगा होगा, तो लाइक मारो यार गेम को। और हाँ यहाँ पे एक बोर्ड दिखता है जिसको मार देते हैं हम, और एक और बोर्ड दिखता है तो उसको पास जाके मारेंगे। और देखो अब देखो यार उन दो बोर्ड की जो मीटिंग चल रही थी उनको तो हम डिस्टर्ब कर देते, और उनको डिस्टर्ब करने के बाद जब हम हिल पे आते तो यहाँ फिर बंदे आ जाते, और देखो फिर मारते हैं इनको। अब देखो यार फिर से नोक हो गए, फिर से हमने अपनी बेइज्जती करवा ली है, लेकिन कोई बात नहीं फिर रिवाइव हो गए हम और फिर मारेंगे बंदों को। लेकिन अपने जो स्मार्ट भैया लेजेंड स्मार्ट वो चल बसे यहाँ पे, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए पबजी के अंदर एक लाइक बनता है, तो वो लाइक डाल दो फटाफट। अब देखो यार अगर आप एवेंजर्स के फैन हो और उसमें हल्क के आप बहुत बड़े फैन हो तो आपने हमेशा हल्क को हरे कलर में देखा होगा, लेकिन ये पहले हल्क भाई साहब थे जो ऑरेंज कलर में थे, तो इनका ऑरेंज कलर निकाल के हमने जूस पी लिया यार यहाँ पे, मार दिया इनको। अब देखो आगे क्या होता है। अब यार पता नहीं मतलब जितने भी बंदे खेल रहे लोबी में उन सबको क्या हमारी लोकेशन पता है क्या कि हम रोजोक पे बैठे हैं, रोजोक के हिल पे। मतलब जिसे देखो उठ उठ के यहीं पे आ रहा है यार, वैसे हम सबको मार रहे हैं, इनको भी मारेंगे, तो देखो इनको कैसे मारते हैं। सीरियसली यार मतलब जेके लास्ट, ओ भाई सुपर एनिमीज अहेड, एक लास्ट बचा है, इनको इनको मार, इनको चूतियों को पूरा ले। एक्सीलेंट वर्क। अब देखो लेजेंड भैया और मंजीत भैया अपने फिर से नॉकआउट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी कोई भी गलती नहीं है, ठीक है आप इनको ऐसा मत समझना, क्योंकि ऐसा होता है कि ये हेल्थ लगा ही नहीं पाते। मतलब ये हेल्थ किट लगाए इतने तो बंदे नए बंदे आ रहे उठ उठ के, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से उठ उठ के आ रहे बंदे, तो नए बंदे आते हो फिर नॉक कर जाते हैं 1 HP में। अब देखो ऐसा सीन है कि सामने टावर के अंदर एक बंदा और इसको नॉक कर रखा है, और इसका एक बंदा पता नहीं अलग ही मतलब कहाँ घूम रहा है, मतलब मेला देखने आया शायद, उसको ऐसा लगता है कि रोजोक में मेला लग रहा है, तो वो रोजोक में मेला देखने आता है और पता नहीं बाद में आता है, मतलब बहुत टाइम के बाद आएगा। देखो उसका भी कैसे मारते हैं। अब देखो यहाँ पे स्प्रे देने का तो मैंने पूरा ट्राई किया अपनी तरफ से, लेकिन बच जाता है क्योंकि मैं स्प्रे थोड़ी जगह में दे पाता हूँ, मैं स्कोपिंग करता हूँ मतलब, तो गाड़ी आगे निकल जाती है, चलती हुई गाड़ी थी, तो अभी स्प्रे देने का ट्राई करते हैं अपन, लेकिन नहीं दे पाते, थोड़ा बहुत डैमेज होता है बंदा। अब ये बंदा इन्हीं की टीम का था जिन तीन बंदों को अभी अपन थोड़ी देर पहले मारा था, तो ये बंदा पता नहीं घूम फिर के आता है, गाड़ी यहीं पर खड़ी कर देगा और पता नहीं कब आएगा और पूरा साइलेंट होके आएगा ये बंदा, लेकिन इसको भी मार देंगे अपन। ओके मन की मार ले छोटू पहला कितने किले, ये ऐसी टीम का था। अब देखो यार इस बंदे को तो हम मार देते हैं और पता नहीं मतलब बंदे को ढूंढने के चक्कर में हम पूरा जोन घूम लेते हैं, मतलब काफ़ी टाइम से हम घूमते हैं गाड़ी के अंदर लेकिन बंदे दिखते नहीं है, और फाइनली जाके हमको एक डासे दिखाई देती है, उसके पीछे हम डासे लगाते हैं और देखो अब कैसे उतारते हैं इन बंदों को गाड़ी से। अब देखो यार इन बंदों को तो हमारी स्क्वाड पूरी मिलके मार देती है, यहाँ पे मेरे को इसे ज्यादा किल आते नहीं, एक ही किल आता है यहाँ पे मेरे को तीन बंदों में से, तो इनको भी हम मार देते हैं। और यहाँ पे पता नहीं हमारी गाड़ी तो फूट गई, अब यहाँ पे मैं बगी उठाता हूँ यहाँ से, आगे से एक और गाड़ी उठा के लाता हूँ
और निकलते हैं पूरे ब्रिज की तरफ, क्योंकि जोन जो बन गया था वो ब्रिज के उधर बन गया था, और यहाँ से हम निकलते हैं सीधा ब्रिज की तरफ। अब देखो यार, यहाँ से हम ब्रिज के ऊपर आते हैं, यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं, थोड़ी सी देर रुकते हैं 1-2 सेकंड, और फिर मेरे को लगता है कि चलो अपन बीच से मारेंगे, क्योंकि वहाँ से हमको अच्छा एंगल मिलेगा, काफी अच्छा एंगल मिलेगा। तो हम आ जाते हैं बीच में, और देखो अब यहीं से हमारा गेम बिगड़ना शुरू होता है यार। देखो यार, इस बंदे को मैं आराम से नॉक कर देता है यार, लेकिन अपने एलियन भैया को भी कीड़ा है सही में आगे सामने। बहुत ज्यादा पीछे से थोड़ा कवर करना है। ओ भाई भाई भाई, M24 कहीं से तो पड़ी। चलें ले चले, क्या देखिए क्या करना है, एक स्मोक और डाल। भाई एक स्मोक मैंने अपने इस पे डाल दिया, एक स्मोक गाड़ी पे डाल दिया। देखो हर मैच में अगर मैं हाई पिंग बोलूंगा तो आप भी यार आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं हाई पिंग बोलना मैंने छोड़ दिया। वैसे हमारे मैच के अंदर पिंग हाई थी, लेकिन कोई बात नहीं, अपने बोलना अपने को। तो यहाँ से हम निकलते हैं और देखो गाड़ी में ठोक देता हूँ बीच में, मतलब ठोकता नहीं हूँ, मेरा ट्राई था कि यहाँ से निकालता हूँ, लेकिन मैं भूल गया था कि ये थी USZ और ये यहाँ से निकलती नहीं है, तो यहाँ से मैं कूद जाता हूँ, और यहाँ से मैं जैसे ही गाड़ी ठुकती है हमारी और नीचे कूद जाता हूँ, और बस यार यहीं पे देखो अब यहाँ पे क्या होता है। अरे ना मालूम पड़ जाते डैमेज जो नीचे कूद रहे छोटू, भाई पीछे बंदा है, मत पे नीचे नहीं होने सकूंगा। अब देखो यार यहाँ पे अपने जो मंजीत भैया है वो नोक और फिनिश हो जाते हैं, ऊपर नोकआउट भी हो जाते हैं और फिनिश भी हो जाते हैं, तो वो भड़कते हैं अपने नंबर 4 यानी कि अपने एजेंट भैया के ऊपर, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे अपन नोक हो जाते हैं काफ़ी गलत तरीके से, और यहाँ पे लेजेंड भैया 2 बंदों को अच्छे से मारते, 1 बंदे को पूरा फिनिश भी कर लेते हैं। और गाइस बस यही था इस आज की वीडियो में, आज के गेम प्ले में। अब देखो हर गेम प्ले की जो एंडिंग होती है वो अच्छी नहीं हो पाती है, कोई बात नहीं यार, लेकिन अपना गेम प्ले अच्छा था, एंडिंग अच्छी नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं। अब गाइस बस यही था इस वीडियो के लिए, आई होप ये वाला गेम प्ले आपको अच्छा लगा होगा, अगर ये गेम प्ले आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।